हेलो ऑल, वेलकम टू फ्राइडे स्टोरीज। हमारी आज की कहानी है केतकी कदम की। तो चलिए सुनते हैं केतकी की कहानी। मेरा नाम है केतकी, मैं नवी मुंबई उल्वे के बमन डोंगरी में रहती हूँ। मैं अभी जो घटना बताने जा रही हूँ इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस जगह के आसपास भी आने के लिए 10 बार सोचेंगे। सॉरी, ये घटना जिस बिल्डिंग में घटी थी उस बिल्डिंग का नाम तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इस बिल्डिंग का बिल्डर बहुत ही बड़ा आदमी है और इस बिल्डिंग का नाम लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पर मैं आगे उस आदमी का जरूर नाम लूंगी जिसकी वजह से ये जानलेवा घटना हुई थी। ये बात 2008 की है, जब मेरी कॉलेज की फ्रेंड साक्षी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो शिफ्ट होकर मेरे बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग में रेंट पे रहने आ गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने सोच के रख लिया था कि अब हम कॉलेज एक साथ आया जाया करेंगे। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी, उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई ही आए हुए थे। उसके पापा दुबई में काम करते थे। उसकी शिफ्टिंग जब हो रही थी तब उसके 3 मामा आए थे हेल्प करने। ये घर जहाँ पर साक्षी और उसके घर वाले रहने आए थे, उसके बारे में मैंने ऊपर ऊपर से कुछ सुना था, पर मुझे यकीन नहीं था। उस बिल्डिंग के सारे लोग ये कहते थे कि यहाँ कोई काला साया है और ये घर बहुत मनहूस है। उस घर का ओनर किसी दूसरे कंट्री में रहता है। वो घर हमेशा बंद ही रहा करता था और उस टाइम पे बमन डोंगरी में बहुत कम बिल्डिंग्स थे, बाकी आसपास सब जंगल जैसा इलाका था। साक्षी के नीचे जो लोग रहते थे उन्होंने उसके मम्मी से शिफ्टिंग के टाइम पे कहा भी था कि ये घर किसी को मुफ्त में भी रहने मिले तो कोई नहीं आएगा यहाँ रहने, आप कैसे आ गई यहाँ पर। तब साक्षी की मम्मी ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया शिफ्टिंग के गड़बड़ी में। उन्हें लगा कि ये सब लोगों का वहम रहेगा। ये घर बहुत ही सस्ते में उन्हें मिला था रेंट पे। ये घर दिखाने वाले ब्रोकर का नाम था जाफर, जो एक मद्रासी था। मुझे अभी भी याद है, इनके शिफ्टिंग के टाइम पे वो अपनी ब्रोकरी लेने आया था। तब साक्षी की मम्मी ने उसे साफ शब्दों में पूछा था कि इस घर में कोई काला साया या कोई बुरी शक्ति है क्या, क्योंकि उस बिल्डिंग में रहने वाले बहुत लोगों ने कह दिया था कि यहाँ कुछ बुरा साया या बुरी आत्मा जैसा कुछ है। तब उस ब्रोकर ने कहा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता तो मैं आपको ये घर दिखाता भी क्या। साक्षी के मम्मी को लगा कि वो ब्रोकर सही ही कह रहा होगा, पर उन्हें क्या पता था कि वो लिच्छड़ ब्रोकर बस अपना पैसा कमाने का जरिया देख रहा था। उसे उस घर में रहने वालों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने पैसे लिए घर दिखाने के और चलते बना। जैसे ही शिफ्टिंग हो गई, साक्षी और उसकी फैमिली वहाँ रहने चले गए। उसने मुझे बताया था कि जब से वो वहाँ रहने लगी है तब से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होना शुरू हो गया था। पूरे बिल्डिंग में लाइट रहती थी, सिर्फ यही एक घर की लाइट चली जाया करती थी। जब जब लाइट जाती थी उसका छोटा भाई बहुत डर जाया करता था। वो 2 BHK का रूम था, पर लाइट जाने के बाद वो सब एक ही रूम में सोया करते थे। उस घर में रहने के कुछ ही दिन हुए थे तब कॉलेज जाते जाते एक दिन उसने मुझे बताया कि उसने उसके घर में एक औरत को चलते हुए देखा। उसे लगा कि उसकी मम्मी रहेगी। वो पीछे पीछे उसके किचन में चली गई और देखा कि वहाँ कोई है ही नहीं। मतलब वो इतनी शौक में चली गई थी कि उसने अभी अभी किसी को साफ आंखों से किचन में जाते देखा, और 5 सेकंड में कोई कैसे गायब हो सकता है। उसने फिर ये बात अपनी मम्मी को भी बताया, तब उन्होंने उसे वही बताकर चुप करवा दिया कि ये तेरा वहम होगा। उसने मुझे जब ये बताया मैंने उसे तभी सजेस्ट कर दिया था कि हो सके तो वो घर छोड़ दे बिफोर इट गेट्स टू लेट। उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग पागल नहीं होंगे जो बोलते बैठे हैं कि वहाँ कोई काला साया है, अभी भी देर नहीं हुई है, तू चाहे तो जब जब तुझे डर लगे मेरे घर पे आकर रह लेना। पर वो कहती थी कि मेरी मम्मी बहन और भाई अकेले हो जाएंगे वहाँ, मैं उनको छोड़ के आकर नहीं रह सकती। फिर कुछ रातों बाद वो हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साक्षी की बड़ी बहन रात के 8 बजने के बाद बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई थी। ऐसे में वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, पर उस दिन वो बहुत ही वायलेंट हो गई थी। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी और उसकी बॉडी गर्म होकर तप रही थी। साक्षी की मम्मी को लगा कि उसे बुखार आया है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी बड़ी बहन बार बार अपना सर गोल गोल घुमा के घुर्राने की आवाज निकाले जा रही थी। वो ना कुछ बोल रही थी ना किसी की बात सुन रही थी, बस एक ही जगह पे बैठकर अपना सर गोल गोल घुमाकर घुर्रा रही थी।
जैसे ही घड़ी में 9 बजे उसने बोलना शुरू किया, बहुत भयानक आवाज में। वो बोलने लगी, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर ली है इस घर में आकर। ये मेरा घर था, है और रहेगा। यहाँ जो भी आया है उसे मैंने अच्छे से रहने नहीं दिया है। ये सब सुनकर साक्षी का भाई डर के कांपने लग गया था। वो और उसकी मम्मी भी डरने लग गए कि अचानक से इसे क्या हो गया है, ये ऐसी बातें क्यों किए जा रही है। वो ये सब बोलते बोलते किचन में जाकर लेट गई। साक्षी ने तुरंत अपने मामाओं को कॉल लगाकर बुलवा लिया और कहा, अगर हो सके तो और भी लोगों को ले आओ। उसके 2 मामा नजदीक में ही रहते थे और 1 मामा थोड़ा दूर, तो नजदीक वाले 2 मामा आ गए जल्दी घर और उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची पूरी सफेद हो गई थी कलर से। उसने उसके मामाओं को देखकर अजीब से हंसना शुरू कर दिया और अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारने लग गई। उसके मामाओं ने जैसे तैसे उसे रोक कर पकड़े रखा, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके सर से खून पानी की तरह बह रहा था। वो बस हंसते हंसते एक ही बात बोल रही थी, बहुत बड़ी गलती कर ली है तुमने यहाँ आकर। मैं इसकी आत्मा मेरे साथ लेकर जाऊंगी और तुम में से जो भी यहाँ रहेगा उसको भी यहाँ से लेकर जाऊंगी। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि ये उनकी बच्ची नहीं है, बल्कि कोई आत्मा उसके अंदर घुस चुकी है। साक्षी ने अपने 3रे मामा को फट फट डरते हुए कॉल लगाकर कहा कि आते आते अपने साथ एक बाबा या पंडित को लेकर आना जो भूत निकालना जानता हो। उस टाइम साक्षी और उसकी मम्मी रोए जा रहे थे कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। उसका छोटा भाई ये सब देख नहीं पा रहा था तो वो रोते रोते नीचे भाग गया। उसकी बहन ने दोनों मामाओं को अलग अलग जगह उठाकर फेंक दिया और हंसते हंसते कहा कि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। रात के 3 बजे से पहले मैं और इसकी आत्मा दोनों चले जाएंगे। साक्षी तो इतनी डरी हुई थी कि उसने शाम को अपनी बहन को अच्छे से देखा था और अब ऐसी हालत में वो है कि आगे उसे ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कोई कमजोर दिल का इंसान देख ही नहीं पाता। वो हंसते हंसते दीवार पर आड़ी टेढ़ी चलने लग गई। उसके मामाओं ने बहुत मुश्किल से उसे पकड़कर वापस नीचे लाकर लिटा दिया और कपड़े से उसके हाथ पांव बांध दिए। वो फिर भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में उसके 3रे मामा एक ज्ञानी पंडित को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने घर में घुसते ही कहा कि यहाँ काफी पहले से ही बहुत ही शक्तिशाली बेकार आत्मा का वास था। ये सुनके साक्षी की मम्मी और ज्यादा रोने लग गई, उनके हाथ पांव कांपने लग गए। तब साक्षी और उसकी मम्मी रोते रोते उस ब्रोकर जाफर को कोसने लगे कि उस कमीने आदमी ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। अब उस झूठ की वजह से उसकी बहन मर भी सकती है। फिर पंडित जी ने उसकी बहन को देखकर पूछा, कौन है तू? तब उसने अपना नाम तो नहीं बताया, पर उसने ये कहा कि वो उस घर में सबसे पहले रहने आई थी। वो उस घर को बहुत पसंद करती थी। उसकी मौत के बाद भी वो उस घर में ही रहती थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई और वहां आकर रहे। उसके पति ने बहुत ही पहले वो घर उसके मरने के बाद बेच दिया था किसी और को। उसने उसे भी वहां रहने नहीं दिया, इसलिए वो कहीं और चला गया रहने। उस घर में कोई भी रहने आए तो वो उसे ज्यादा दिन वहां रहने नहीं देती। पंडित जी ने उससे कहा कि तू इस बच्चे को छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। तब उस आत्मा ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसे मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। ये सुनकर पंडित जी ने अपने बस्ते से एक पानी की बोतल निकाली और उस पानी पे कुछ पढ़कर साक्षी की बहन पर डाल दिया। जैसे ही उन्होंने वो पानी उस पे डाला, उसके बॉडी में से धुआं निकलना शुरू हो गया। वो तड़पने लग गई और लेटे लेटे ही उसकी बॉडी जमीन से 4 फीट ऊपर हवा में चली गई। ये सब देखकर पंडित जी को छोड़कर बाकी सब डरने लग गए। साक्षी को तो अब यकीन हो गया था कि अब उसकी बहन नहीं बचने वाली, ये आत्मा उसकी जान लेकर ही रहेगी। फिर पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और उसके 3 मामाओं ने पूरी जोर लगाकर उसे वापस नीचे लाया। जब जब पंडित जी अपना मंत्र पढ़ते तब वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती और उसके हाथ पांव गर्दन पेट पूरे बॉडी पे ऐसे निशान खुद से आना शुरू हो गए कि जैसे कोई ब्लेड से मांस चीर रहा हो। उसके हाथों पे तो पूरा पंजे का निशान आ गया था। कुछ ही देर में जब पंडित जी ने अपने आखिरी मंत्र पढ़ के फेंका उस पे, तो एकदम अचानक से उसने जोर से चिल्लाया,
और बेहोश हो गई। और जैसे ही वो गिरी, घर की पूरी खिड़कियां टूट गई। पंडित जी ने जाते जाते कहा, अभी ये उस आत्मा से मुक्त हो गई है, पर यहां रहना अभी भी खतरे से खाली नहीं है। हम सब नीचे उतर गए। साक्षी के मामाओं ने उसकी बहन को उठाकर नीचे लेकर आ गए। पूरी बिल्डिंग के लोग अपना दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठे रहे पूरी रात। किसी में हिम्मत नहीं थी बाहर आने की। सुबह होने तक थोड़ा ही टाइम बचा था, तो वो सब सुबह होने तक बिल्डिंग के नीचे ही बैठ गए जाकर। जैसे ही सुबह हुई तो बिल्डिंग के सभी लोग आकर जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। मुझे साक्षी ने फोन करके जल्दी नीचे बुलाया सुबह सुबह। मैं जल्दी से चली गई नीचे तो देखा कि उसकी मम्मी बहुत रो रही थी और बड़ी बहन बेहोश बैठी थी। थोड़ी ही देर में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके आ गए। उसके मामाओं ने सामान नीचे उतारना शुरू कर दिया था। पैकर्स एंड मूवर्स का ट्रक आ गया था। वो सामान सब नीचे उतारने लगे थे। सुबह के कुछ 10 बजे थे। साक्षी के मम्मी ने उस कमीने ब्रोकर जाफर को वहां बिल्डिंग के नीचे बुलाया और जैसे ही वो आया तब साक्षी के तीनों मामाओं ने उसके कपड़े फटने तक उसे मारा। साक्षी की मम्मी और बाकी सब उसे गालियां दे रहे थे। वो ब्रोकर रो रो कर माफी मांग रहा था, फिर भी उसके मामाओं ने उसे नहीं छोड़ा। गालियां देते हुए कहा कि उसकी वजह से उनकी भांजी पे ये सब हुआ और अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और ये सब कह के और मारने लग गए। किसी बिल्डिंग वाले ने भी जाकर उन्हें नहीं रोका। उन्हें पता था कि ये जो मार खा रहा है वो सही ही खा रहा है। उसे पीटता देखकर मुझे और साक्षी को तो बहुत सुकून मिल रहा था। उसने ब्रोकरी के भी पैसे रिटर्न कर दिए और बिना रेंट लिए पूरा डिपॉजिट तक वापस कर दिया। धीरे धीरे करके कुछ दिनों में साक्षी की बहन भी ठीक हो गई। उसे तो उस रात हुआ क्या था वो भी नहीं मालूम। कुछ दिन अपने मामा के घर रहने के बाद उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के कहीं और घर ले लिया। दोस्तों, आप जब भी कोई घर खरीदे या रेंट पे ले तो किसी भी ब्रोकर की बातों में ना आए। हमेशा पूरी तरह जांच करके ही वो घर में रहने जाएं, क्योंकि कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है पर वो होती जरूर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें जरूर बताना, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप अपनी स्टोरी हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है frightystories1606@gmail.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।